हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है करने वीडियो में रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, जो पिता ने हम सभी को अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है, संभाल के रखा है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी को धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, ये स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, हम सभी का उद्धार हुआ है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ही वह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह वह सीढ़ी है जिस पर हम सभी लोग विश्वास करने के जरिए स्वर्ग पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियजनों, विश्वास ही हमें स्वर्ग नहीं पहुँचा सकता है। मेरे प्रियजनों, विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना पड़ता है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको परमेश्वर से बताने की हो सकता है, वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह दूर करने वाला परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज आपको परमेश्वर को पुकारना है। यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को परमेश्वर नया करेगा, आपके जीवन को परमेश्वर चेंज करके रख देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। वह चेंज करने वाला परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, वह अल्फा ओमेगा दुरंत है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को डरना घबराना नहीं है, स्थिर रहना है, क्लेश में खड़े रहना है, विश्वास में बने रहना है, अड़े खड़े मजबूत बने रहना है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पर भी किले ठोके गए। मेरे प्रियजनों, उसको दर्द हो रहा था, उसके मुख पर थूका गया, उसे 39 कोड़े लगवाए गए, उन 39 कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों उसका मांस तक खींच कर जलाता था। इतना दुख, इतनी पीड़ाएं, इतना दर्द परमेश्वर ने हम सभी के लिए लिया, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया हमारा परमेश्वर, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया हमारा परमेश्वर और बलिदान हो गया, और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार वह मृतों में से जी उठे। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो यदि हम मर भी जाएंगे प्रभु में, तो परमेश्वर हमें जिलाएगा, अंत के समय में परमेश्वर जिलाएगा, हम सभी को अनंत काल का जीवन देगा। मेरे प्रियजनों, जो कभी नाश नहीं होता है, अमर जीवन अजर मिराज का जो कभी नाश नहीं होता। मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को, अपने खोजियों को दिया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को हमारा परमेश्वर नया करेगा, हमारा परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। वह बदल के रखने वाला परमेश्वर है, बस हम सभी को विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, जब आपके जीवन में पाप हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, अपने पापों को, गुनाहों को, किसी अपने गुनाहों को, पापों को छिपाना नहीं है, परमेश्वर से बताना है। यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके पापों को, गुनाहों को क्षमा किया जाएगा, उसके पापों को हिमकिनाई सोच किया जाएगा, उजला कर दिया जाएगा, उसके पापों को बर्फ के समान स्वीकृत करेगा हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर महान है, दयालु है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं की जोबा सृष्टि करता मालिक है। प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरी मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को मैं जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। बस हम सभी को विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनेंगे, पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है? चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे पिता, महान पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं, प्रजाओं की राजा, प्रभु के प्रभु हैं।
आपसे नाव की जो हमारे सृष्टि करता मालिक यीशु पापा, मेरे पिता जो आप मेरे पिता, हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते फिर भी नहीं मानते पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ जाएंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गएंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ का धुआं युगानुग उठता रहता है मेरे पिता। मेरे प्रभु जो आपने हम सभी को बचाया पिता, इस संसार से चुना पिता, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे पिता आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है। पिता आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूँगा। मेरे पिता महान है परमेश्वर, जो आपने हम सभी से इतना प्रेम किया जो आपने मेरे पिता ये साबित करके दिखा दिया प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे पिता परमेश्वर, पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हम सभी मसीह भाइयों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे पिता, आप माफ़ करिए पिता, आप क्षमा करिए पिता। मेरे पिता हम मानव जात नहीं पिता, हम मनुष्य निर्बल कमजोरी पिता, गुनाहों में गिर सकते हैं, व्यभिचार में गिर सकते हैं पिता, आप हम सभी के पापों को गुनाहों को क्षमा करिए पिता, आप क्षमा के योग्य हैं प्रभु, आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को मिटा दे मेरे पिता। मेरे पिता मिटा दीजिए पिता, हम सभी के गुनाहों को बर्फ के समान श्वेत करिए प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भवन बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे जो बेड पे पड़े पिता, जो आखिरी सांस ले रहे पिता, रो रहे बिलख रहे चिल्ला रहे अपनी खाट अपने आंसुओं से भिगोते पिता, मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन को पिता बदल दीजिए मेरे पिता, हर बीमारियाँ जाए पिता, हर एक गिल्टियाँ रसलियाँ पथरियाँ, हर नर प्रकार की कैंसर गिल्टियाँ पथरियाँ यीशु मसीह के नाम से जाएं पिता। ये मसीह भवन चंगे होने पाए, आजाद नहीं पाए, आजादी को रिसीव करने पाए, आजादी को रिसीव करो बोलकर अमीन, आजाद जो बोलकर अमीन, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मसीह भवन गरीब है, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपये पर पिता, 1000 रुपये पर अन्य जाते सुधार ले नहीं पिता, मेरे प्रभु ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटते बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वह टूट सकता है बिखर सकता है पिता, आप इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को आप दूर करिए पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे पिता। मेरे प्रभु सच में पवित्र आत्मा जी हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी तक के घरों के ऊपर पिता आशीषें उड़ने ले पिता, वो सुर के झरके खुल जाए पिता, वो बंद आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता प्रभु, जब लेटे मेरे स्वामी तब न सुख की नींद आने पाए पिता, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तो सुख की नींद आएगी पिता। आप मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।